हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में यहाँ पढ़ लिया था क्लास 7 का साइंस पेज नंबर 37 तक। अब उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे चलिए जानते हैं कि टेम्परेचर कैसे मेज़र होता है। देखिए, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर होता है, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही बनाया जाता है। और जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, नॉर्मली वो 35 मतलब से नीचे नहीं जाता है और 42 से ऊपर नहीं जाता है। इसीलिए इसकी रेंज इन्होंने बनाई हुई है, 42 से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो इसीलिए इसकी रेंज जो है 35 से 42 है इसकी रेंज, ठीक है। इसके बाद आ रहा है, क्वेश्चन दे रहा है कि भाई जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको जो है किसी भी मतलब दूसरी चीज़ का टेम्परेचर ना मेजर करें, इसको सन में ना रखें, फ्लेम में ना रखें, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर हो गया बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए। उसके बाद दूसरा है हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ये क्या करता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर से दूसरी चीज़ों का टेम्परेचर हम लोग नापते हैं, ठीक है। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, कोई भी केमिकल हो गया या किसी भी चीज़ का। तो ऐसा थर्मामीटर जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स का, अदर ऑब्जेक्ट्स का थर्मामीटर मतलब टेम्परेचर नापने के लिए होता है, जो लैब में भी यूज़ होता है, उसी को बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक। तो देखिए क्या है यहाँ पर, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स यूज़ होते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, जैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्रीवियस डे अगर मेजर करना हो तो उससे हम किससे मेजर करते हैं, हम मान लीजिए किसी भी दिन का प्रीवियस डे का मतलब मैक्सिमम और थर्मामीटर मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर करना है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करना है अगर डे का वेदर के हिसाब से, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं क्या, जिसको हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर बोलते हैं। ये क्या करता है कि किसी भी दिन का टेम्परेचर बताता है, मतलब दिन में कितना टेम्परेचर हुआ, दिन रात का टेम्परेचर कितना हुआ, दिन का कितना हुआ। तो इस तरह से टेम्परेचर को नापने के लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम जो थर्मामीटर होता है ये दिन और रात के टाइम का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये देखिए यहाँ बड़ा सा दिया हुआ है आपको, ये क्या है, ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर। देखिए इतना बड़ा है, इसमें देखिए कितनी सारी रीडिंग्स हैं, है ना। तो जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करते हैं, तो जब रेंज की बात कर रहे हैं हम, तो हमने क्या पाया यहाँ पर कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसकी रेंज कितनी है लेबोरेटरी थर्मामीटर की, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक है, ठीक। और कितने इसमें स्मॉल डिवीजन्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, जब आप इसको लैब में या कहीं प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें बीच बीच में जो डिवीजन्स बने हैं कितने होते हैं वो, ठीक है। तो इसकी रेंज पता रखिए, आपकी जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक की इसकी रेंज होती है, ठीक है। बीकर में हम वाटर ले सकते हैं या मग में ले सकते हैं, उसका टेम्परेचर हम नाप सकते हैं, थर्मोमीटर को हमेशा वर्टिकली होल्ड करना चाहिए, खड़ा रखना चाहिए, ठीक है। और मरकरी का मूवमेंट हम देख सकते हैं कि किस तरह से मरकरी मूव कर रही है, तब तक देखना जब तक मरकरी जाके वहाँ पर रुक नहीं जाती किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर कितना है पानी का या क्या है, ठीक है ना। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को भी आपको ध्यान रखना है कि सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं करना चाहिए। जिसका भी टेम्परेचर मेजर करना है उसको मतलब बल्ब उसी में डालना चाहिए उसका। और मान लीजिए कोई कंटेनर है तो बल्ब जो होता है थर्मामीटर का, वो कंटेनर को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विथ एन लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इस लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम वाटर का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो हम इस तरह से वाटर का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इन सब एक्टिविटीज़ में यही सब बताया गया, भाई हॉट वाटर लो बीकर में, ठंडा पानी लो, सबका टेम्परेचर मेज़र करो और फिर देखो कि किस तरह से मरकरी का मूवमेंट कितना हो रहा है, कितना गिर रहा है, कितना ऊपर जा रहा है। और टेम्परेचर पानी में ही जब रहेगा तभी आप उसका टेम्परेचर रीड कर लेंगे कि हाँ कितना गया कितना नहीं गया। ठीक है, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं कि अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करें। ठीक है ना, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ किंक इन इट। एक क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उसमें नीचे क्या होता है, एक किंक होता है। अब ये क्या होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस किंक, इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये मर्करी लेवल को अपने आप से गिरने से रोकता है। ठीक है, तो किंक का काम होता है मर्करी लेवल को अपने आप से गिरने से रोकना। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर में एक और उसके बाद हमने एक और देखा है कि आजकल दूसरे थर्मामीटर्स आ गए हैं, जैसे जो हम घरों में आजकल यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसमें हम मरकरी नहीं है क्योंकि मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर। क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल थर्मामीटर आ गया अब, तो इसमें मरकरी यूज़ नहीं होता क्योंकि मरकरी देखिए थोड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, मतलब जहरीला सब्सटेंस होता है, इसलिए मरकरी का यूज़ थोड़ा कम हो रहा है यहाँ पर अब। तो इस तरह के थर्मामीटर्स भी आ गए हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल थर्मामीटर, जो सीधे टेम्परेचर बना देता है, बता देता है कि कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि कैसे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या क्या होता है, क्या क्या उससे मेजर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का हम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ पढ़ लीजिए, कुछ नहीं, इसमें बहुत आसान है ये। और किंक होता है जो क्लिनिकल थर्मामीटर, तो उसमें किंक होता है, डिजिटल थर्मामीटर तो इसमें सब कुछ पता लग जाता है। अब उसके बाद आ रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि भाई हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। जैसा कि आपको पता है भाई, हीट भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। क्यों, जैसे मान लीजिए हम फ्राइंग पैन है, उसको हम पकड़ने वाला हैंडल देखिए वो भी गर्म हो जाता है, बल्कि हम गैस पे उसका सिर्फ बॉडी रखी होती है। क्यों, क्योंकि हीट वहाँ से ट्रांसफ़र होकर ऊपर तक आ रही होती है, तो यूटेंसिल्स में उसकी हीट पूरी ट्रांसफ़र होती रहती है। इसलिए देखिए हैंडल हमेशा कवर्ड लगे होते हैं, प्लास्टिक का रबड़ का हैंडल लगा होता है कुछ ना कुछ उसमें, जिससे कि मतलब वो हीट हम तक ना पहुंचे, हमें न जलाए। तो हीट क्या होती है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ट्रांसफ़र होती रहती है। और कोई चीज़ बर्तन जैसे वो ठंडा हो जाता है, क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी जो हीट होती है वो क्या होती है, द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है पैन से अपने सराउंडिंग में। ठीक है ना, और एक और चीज़ हम देखते हैं कि जो हीट होती है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है। याद रखना, द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। जो हीट होती है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। याद रखना, जो गर्म होगा गर्म से ठंडे की तरफ हीट फ्लो करती है। ठीक है, तो हीट जो है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। अब फिर एक एक्टिविटी बता रहा है कि एक रॉड लेना है या फ्लैट स्ट्रिप लेना है, एक मेटल का, एल्युमिनियम या आयरन का, उसको हमें फिक्स करना है, उसके ऊपर वैक्स के पीसेस चिपकाने हैं इक्वल डिस्टेंस पे, और फिर उसको क्या करना है, ऐसे एक रोकना है ईंट का एक क्लैम्प बना के, और क्या करना है, हीट करना है दूसरे एंड को हमें। तो आप इस एक्टिविटी में देखें, जैसे दूसरा एंड जैसे हम हीट कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे दूसरे एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, जिसमें क्या होता है कि वो पैक्स पिघल के गिरने लगती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ हीट थ्रू द मेटल स्ट्रिप। अब जैसे देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि भाई जैसे ये एंड हम हीट कर रहे हैं,
तो यहाँ से हीट धीरे धीरे क्या हो रही है, इस तरफ को बढ़ रही है, इस तरफ को बढ़ रही है, तभी देखिए यहाँ से ये चीज़ें धीरे धीरे पिघल के गिर रही हैं, क्योंकि ये हीट जो है यहाँ से धीरे धीरे इस तरफ को बढ़ रही है, ठीक है। तो इसी तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, देखिए आप देख रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई जो हीट होती है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ हो रही है। तो एक और चीज़ समझ लीजिए, जो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हीट ट्रांसफ़र होती है हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन, ये याद कर लीजिएगा। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। वो प्रोसेस जिसके द्वारा हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक ट्रांसफ़र होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन, ठीक। ये प्रोसेस याद रखने की, व्हाट इज़ कंडक्शन? तो कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हीट जो होती है एक हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये तीन पेज डिस्कस कर लिए हैं। इसको पूरा अच्छे से रीडिंग करिए, पूरा अच्छे से समझिए, पढ़िए, जो ना समझ में आए फिर पूछिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर है, ये सब कुछ पढ़ना है। इस किताब में एक भी लाइन एक भी शब्द छोड़ना नहीं है, आपको ध्यान रखना। अगर आपने एक भी लाइन एक भी शब्द छोड़ दिया इसमें का, तो पता लगा वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो एक क्लास सेवन के बच्चों को तो मदद करेगा, साथ में उन लोगों को भी मदद करेगा जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ भी मतलब बेसिक लेवल की साइंस पूछी जाती है, जैसे 6 से 10 तक की साइंस। तो 6 से 10 तक की पूरी साइंस आपको हमारे चैनल पर, इसी चैनल पर ज्ञान गंगा पर मिल जाएगी। और आपको और भी मुझसे बहुत सी चीज़ें पढ़नी है तो आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ के उसका फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे हम, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 41 से, ठीक है। पेज नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। अभी तक हमने कंडक्शन के बारे में जाना है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हीट क्या होती है एक हॉटर एंड से एक कोल्ड एंड पर ट्रांसफ़र होती है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। तो यहाँ तक हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक एनी लाइन एनी वर्ड एनी कॉन्सेप्ट, इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल हेल्प यू। और आप मुझे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, हमारा ग्रुप भी बना हुआ है तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। तो कोई डाउट हो तो पूछिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए, याद करिए और टेस्ट के लिए तैयार रहिए, कि कोई भी टेस्ट हो तो आप कहीं फेल ना हो, ठीक है। तो जो भी डाउट हो पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।